शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वादिकारमन्यान् अस्माद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वशो न सुरीयः मांडूक उपनिषद के चौथा प्रकरण अलग शांति प्रकरण। इसके पहले कितने प्रकरण हैं? जब ये चौथा होगा तब प्रतिनिधि होगा आगम प्रकरण आगम प्रकरण में श्रुति वाक्य के सहारे समन्वय करके दिखाया क्या कि ये जो जग प्रपंच दिखाई दे रहा है क्योंकि पारमार्थिक सत्य वस्तु है। मतलब ये दो प्रकृति है भगवान की, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। ये दोनों प्रकृति जो है पारमार्थिक नहीं है, जिसके माध्यम से सृष्टि होती है। फल वो क्या होता है? सृष्टि विभिन्न है। इसको श्रुति वाक्यों के स्मृति वाक्यों के आधार पर सिद्ध करने के बाद बोलते हैं युक्ति के द्वारा भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए वैतत्व पूरा युक्ति के सारे स्वप्निष्ठ वस्तु जैसे विमतम मिथ्या दृश्यता जड़ता परिच्छिन्नता परिणामित्व कई किसी भी मिथ्या मिथ्या मतलब ये नहीं कि दिखाई नहीं देगा। कोई कहीं भी आप बताओ जहाँ पे मिथ्या बोलते हैं वो वस्तु दिखाई देता है कि होता कुछ बोलता कुछ, इसीलिए तो मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं, मिथ्या मतलब होगा कुछ बोलेगा कुछ अलग कुछ बोलेगा दिखाई देने के कारण शास्त्रीय होता है जो दिखाई पड़ता है। इंद्रियों में वस्तु है वो पारमार्थिक सत्य नहीं है, और जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है वो इंद्रियों में नहीं, वो इंद्रियों में नहीं। इस प्रकार युक्ति के द्वारा मिथ्यात्व को दिखाई तब लगेगा कि तब सभी मिथ्या है, तब होते नहीं अधिष्ठान व्यतिरिक्त अधिष्ठान वो पारमार्थिक सत्य है। इसलिए अद्वैत प्रकरण अद्वैत प्रकरण के शांति में इतर तक उत्तम सत्यम जब तक किंचित न जाए। ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इस प्रतिज्ञा वाक्य को दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। आप बोलते ऊपर नहीं हुआ हम तो सामने वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा भी जब तक चित्त भ्रमण करता है। आलात की मतलब मशाल की भ्रमण के कारण मशाल में कई आकृति उत्पन्न होती है, दिखाई देते हैं वहाँ, परंतु ना हम कोई आकृति उत्पन्न होती है ना कोई आकृति कहीं लय प्राप्त करते हैं। प्रपंच यदि विद्यते तो निवर्तित न संशय,
यदि रहता तब तब इस खाटा रज्जु के ऊपर जो दिखाई दे रहा है सर्प, यदि पारमार्थिक वहाँ पे रहता तब तब उसको मार पीट के मार सकते थे, है नहीं यहाँ पे केवल प्रतीति मात्र है, उसके साथ कोई व्यवहार भी नहीं होता, उसके साथ कोई व्यवहार भी नहीं होता। इसलिए यही सबसे उत्तम सत्य है कि कोई वस्तु की उत्पत्ति होना संभव। जैसे हमारे यहाँ पे भगवद गीता में आता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कौन हो गया शरीर, क्षेत्र शरीर क्षेत्र के ऊपर, जब तक क्षेत्र कम मित्र में जब भगवान बोलते हैं क्षेत्र का मतलब जीव नहीं है, मैं सर्व क्षेत्र शोभा जहाँ सर्व क्षेत्र शोभा क्षेत्र कम चापी मां बिंदु सर्व क्षेत्र शोभा तब मिथ्या नहीं, मतलब ईश्वर विवाह स्वरूप रूपी क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र क्षेत्र गत ऊपर क्षेत्र कल्पित है। क्षेत्र क्या हो गया हमारा शरीर, अब जब क्षेत्र कल्पित है तो क्षेत्र में जो भी कुछ फसल उत्पन्न हो गया वो पारमार्थिक सत्व होगा कि नहीं, क्षेत्र कल्पित है तो क्षेत्र के ऊपर जो फसल उत्पन्न होगा वो पारमार्थिक सत्व होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो इससे अभिप्राय मेरा कहने का क्या है, ये जो कर्म और कर्म फल की बंधन है, बोलते ना यूँ बोल रहे हैं कि कर्म से संघात धर्म, धर्म से संघात संगत, जब संघात स्वयं मिथ्या तो उसे धर्म धर्म का, इसीलिए ज्ञान आदि सर्व कर्मान भस्मसात हो गया, तो सुनिश्चित करो कैसे नाश होगा, दोनों संभव नहीं है, एकमात्र ज्ञान है मतलब निश्चय हो जाए कि ये जो है बिल्कुल एक कल्पित वस्तु है, शरीर से शरीर ही कल्पित है, तो शरीर के द्वारा किया गया जो भी कर्म आदि उसका फल है ये भी कल्पित है। जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा धर्म धर्म से शरीर, तब तक हम उसको भोगते जाएगा, जैसे ही निश्चित हो जाएगा कि ना शरीर के साथ संबंध है फल, शरीर के द्वारा किया हुआ धर्म धर्म के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है, बस यही मुक्ति की कोशिश है, तो हम तो ये जो है कि यथार्थ दृष्टि खोलना है। शास्त्र क्या करते हैं हमारे दृष्टि को खोलते हैं, वेदांत तो कुछ नहीं करते हैं, हमारे देखने की शैली को बदलते हैं, पहले किसी वस्तु को देख करके ये सत्य है हमारे काम आएगा ये भावना होती है, वेदांत पढ़ते पढ़ते विचार करते करते निश्चय हो जाता है समस्या के कोई वस्तु हमारे कोई काम की नहीं, हमारे कोई काम ठीक है। दो चीज़ें हैं जिस इसमें क्या है, कोई कोई लोग विषय को देख करके घबराते हैं और कोई कोई लोग विषय नहीं है इसलिए घबराते हैं, परंतु वेदांत पढ़ने के बाद अब असंगता आपको दोनों से उठा दिखा कर कुछ भी पड़े रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये जो है दृष्टिकोण बदल जाता है संपूर्ण दृष्टिकोण। जैसे कोई वैराग्य मतलब कोई वैराग्यवान व्यक्ति है वो उसको शास्त्र क्या बोलता है कि कोई चिंता नहीं है बस इसी से आत्मज्ञान होगा वैराग्य से बोध होगा, और कोई अशक्त व्यक्ति है चलो वैराग्य चिंता, जैसे जैसे मानसिकता रहता है तो जो है शास्त्र निर्देश करता है, शास्त्र तो सभी के रास्ते बना देता है, वेदांत तो पढ़ते पढ़ते विचार करते करते क्या होता है कुछ नहीं होता, आप देखना आपका संसार को देखने की दृष्टिकोण बदल जाएगा, विषय वही पर रहेगा परंतु आपका भाव कुछ भी प्रकार के विकास में नहीं होता, यही सबसे बड़ी सुंदरता है वेदांत की। इसीलिए कल देखो ये जो भूत दर्शनाथ भूत दर्शन मतलब ठीक ठीक आप देखना सीखेंगे तो आपको संसार प्रश्न नहीं करेगा, जब तक ठीक से नहीं देख पाएंगे कि मैं और मेरा ये दृष्टि रहेगा तब तक हम परेशान होते हैं। तो कल जो है हम लोग इसी को पढ़ रहे थे कौन 26 ना 26 26 है 26 हमारे हाँ ठीक कर दिया उसके मतलब ठीक नहीं किया पेज 225 हाँ करेक्ट 225 एक बार जो है श्लोक को शेषक पढ़ेंगे जिस श्लोक के ऊपर विचार करना है। प्रज्ञातेशनिमित्तत्व मिश्यते युक्तिदर्शना निमित्तस्य निमित्तत्व मिश्यते भूतदर्शनात्। उसने क्या बोला था कि जो हमें ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान विषय रूप आकर्षण करता है, मतलब क्या होता है कि ये जो घट ज्ञान पट ज्ञान मन ज्ञान होता है इसके ऊपर आश्रित है बाहरी वस्तु को आश्रित है, ठीक है ना, इसीलिए आपको बाहरी वस्तु की भिन्नता मानना चाहिए
और दूसरी बात क्या है, देखो बाहरी वस्तु से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, आग लग गई तो हम जलन होता है, ठंड लग गया तो कम्बल होने की इच्छा होता है, इसलिए बाहरी वस्तु है ऐसा मानना है, युक्ति ऐसा। जरा देखो इस चीज को, विषय किसके द्वारा सिद्ध होता है, ज्ञान से, और ज्ञान किससे सिद्ध होता है, विषय से। ज्ञान को देखना चाहोगे तो कैसे देखोगे, विषय के माध्यम से, और विषय के सिद्ध कैसे होगा, ज्ञान से, यानी कि ये जो ज्ञान है विषय अनंत आश्रित है, सिर्फ तुम्हें सिद्ध नहीं होता, सामान्य लॉजिक ये देखो। इसलिए भूत दर्शन देखना सीखो, सिख सिद्ध, और ये जो ज्ञान में स्वरूप ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि ज्ञान विषय से, मतलब विषय है तब बुद्धि में घट ज्ञान पाठ ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान है तब विषय अभिव्यक्त हो रहे हैं, ज्ञान नहीं हो तो विषय कैसे अभिव्यक्त हो, इसलिए दोनों अनन्य आश्रित है। ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित है और ज्ञेय ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है, ज्ञान की अभिव्यक्ति ज्ञेय को प्रकाशित है तब आपको समझ में आएगा, और ज्ञेय जो है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है, इसलिए जो है अनन्य आश्रित है, उसके कारण दोनों ही पारमार्थिक स्वतंत्र वस्तु में पारमार्थिक क्षेत्र नहीं होता। चलो जो इन दोनों को देखने वाला, इन दोनों को समझने वाला कौन है, उस स्वरूप सिद्ध है ना, वो ज्ञान वो बाहरी विषय रूप में नहीं आएगा आपके सामने। इसको समझाने के लिए इसे बोलते हैं भूत दर्शन, ये यथार्थ दर्शन। संक्षेप में जब हमारे मन में विज्ञानवादी बोध और बाह्य अस्तित्ववादी विज्ञानवादी के बीच में लेकर के मेरा निष्कर्ष क्या निकाला, क्योंकि वो तो बुद्धि को आत्मा मानता है, विज्ञानवादी बोध तो बुद्धि को आत्मा मानता है, और इसीलिए अर्चनिक भी मानते हैं। इन दोनों में बोल क्या रहा, ये व्यक्ति कह रहा है जो ज्ञान ज्ञेयों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, यानी कि ज्ञेयों को मानना चाहिए, और ये बोलते हैं नहीं नहीं ज्ञेय नहीं है केवल बुद्धि से होता है। मत क्या निकला कि ज्ञान समझने के लिए विषय चाहिए, विषय समझने के लिए ज्ञान चाहिए, ये दोनों का प्रकाश आत्मा है, यह स्वतंत्र है ना, ये अभिप्राय इसका छुपा हुआ है। चीज प्रज्ञाते स्वनिमित्त तत्व, तो यहाँ पे क्या बोले थे, ज्ञान जो है किसी न किसी निमित्त से होता है, इच्छते क्योंकि युक्तिपूर्वक ये दिखाई पड़ते हैं, तभी जो तुमको निमित्त दिखाई पड़ रहा है ना, वो निमित्त अनिमित्त है। क्यों, आप देखो घट दिखाई पड़ रहा है, घट देख करके आपको घट ज्ञान होता है, परंतु यदि तुम्हारे घट के अंदर मृत्यु का दृष्टि होगा तो घट का कहाँ रहेगा। इसी प्रकार आप तब तक उसको कारण में लय करते जाओ जब तक आ करके आपको ये न लगे कि इसके पीछे कुछ है, परंतु क्या है समझ में नहीं आ रहा, वाणी का तरह नहीं बोला जा रहा। यहाँ तक यदि आप धीरे 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 दृष्टि को पेनिट्रेटिंग आईज है ना, क्या होगा, दिखाई दे रहा है एक पिंड, परंतु धीरे 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 आपको दृष्टि को अंदर डालना है, कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, स्वरूप तक, हाँ स्वरूप तक, नाम रूप हट जाएगा स्वरूप तक पहुँच जाएंगे, वो विचार दृष्टि है, वो यदि आप इसी को बोलते हैं ज्ञान चक्षु, ये प्रज्ञा दृष्टि है ना, इसी को ज्ञान चक्षु बोलते हैं। तो इसी के यहाँ पे बोलते हैं कि अत्र उच्यते बारहवें भाव प्रज्ञाते स्वनिमित्त तब दय संक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शन आदि, युक्तिपूर्वक आपने क्या दिखाई दे रहा है, ज्ञान विषय को प्रकाशित है और बाहरी वस्तु से हमें आदि भौतिक आदि देवी पीड़ा दुख उत्पन्न होता है, और उस दुख को निराकरण करने के लिए दर्शन बनाया गया, इसलिए आपको बाहरी वस्तु मानना चाहिए। तो भगवान भाष्कर क्या होता है, स्थिर भवतावत्व है ना, तुम इस जगह पे खड़े रहना, भागना नहीं, स्थिर भवतावत्व, इधर उधर नहीं हटना, इस जगह वहीं पर निश्चित खड़े हो जाओ, निश्चय कर कहीं पर खड़े, निश्चय कर कहीं पर खड़े हो जाओ, तुम कहीं पर निश्चित करके खड़े हो जाओ। बोलते हैं भाष्य पहले पढ़ रहे थे, फिर टीका में आएंगे, युक्ति दर्शन वस्तु तथा तो अभ्युपगमे कारण इति अत्र किम तथा इति, बोलते हैं हमने बोला युक्ति दर्शन मतलब वस्तु तथा तो अभ्युपगमे कारण, युक्ति के द्वारा हम देखते पड़ रहे वस्तु सत्य है, क्यों सत्य है, घट ज्ञान पैठ ज्ञान हो रहे बाहरी वस्तु, तो वस्तु में तथा तो अभ्युपगम, ये युक्ति दर्शन क्या है कि हमें ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान हो रहा है, इसलिए बाहरी वस्तु है ऐसा आपको मानना पड़ेगा। गुरु किम तथ्य इति, बाह्य अर्थवादी कहते हैं यदि हमें ऐसा बता रहे हैं तो सही जैसा मानने में आपका क्या परेशानी है, गुरु किम तथ्य इति, यदि हम ऐसा मानते हैं तो आप इसमें क्या कमी रहेगा, इसमें गलती क्या है, आप बताओ तो सुनो क्या हम कहना चाहते हैं, निमित्तस्य प्रज्ञाप्ति आलम्बन अभिमतस्य घटादि अनिमित्तत्वम् अनालम्बनत्वम् वैचित्र अहितुत्वम् इष्यते अस्माभिः। देखिए एक साथ कितना बोल दिया,
तीन चीज बोल दिया। ये जिसको आपने निमित्त माना, उस निमित्त को, वो निमित्त क्या बोला, प्रज्ञाप्ति आलम्बन, मतलब घट ज्ञान, तो ज्ञान का आलम्बन कौन हो गया घट, पट ज्ञान, तो ज्ञान का आलम्बन कौन हो गया पट, मठ ज्ञान, ज्ञान का आलम्बन होगा मठ। ये जो प्रज्ञाप्ति है आलम्बन अभिमतस्य, ज्ञान के आलम्बन के रूप में अभिमत है जो आपका वस्तु, आप जिसको मानते हो क्या है वो घट आदि, घट पट मठ आदि सृष्टि है घट आदि है ना। तो ये प्रज्ञाप्ति आलम्बन अभिमतस्य घटादे, हमारा अभिमत क्या है अनिमित्तत्वम अनालम्बनत्वम वैचित्र अहितुत्वम, वो निमित्त नहीं है, वो उसका आलम्बन नहीं है, वो विचित्रता के लिए हेतु नहीं है, वो सब तुम्हारे मन में विचित्रता बैठा हुआ एक ही घट। यदि वहाँ पे वही वस्तु विचित्र मतलब आपका उस ज्ञान के लिए हेतु होता तब एक ही वस्तु को देख करके कोई भूत छिद्र जलधारा माला दंड अलग अलग बहुत क्यों हो रहा है, एक ही सर्प को नहीं जानने के कारण है ना। कोई कहता है भूत छिद्र, कोई कहता है जलधारा, कोई कहता है माला, कोई कह रहा है सर्प, कोई कह रहा है दंड, ये अलग अलग क्यों बोध हो रहे हैं, क्योंकि वो अंदर है उसका, कोई उसका आलम्बन के हेतु बनता है। क्रांतिकारी इसलिए बोलते हैं एक मन पर विज्ञानवादी बोल दो वैगसित्ववादी को बोल रहे निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमतस्य घटादे निमित्त अनिमित्तत्वम अनालम्बनत्वम वैचित्र अहितुत्वम इष्यते अस्मै अवश्य। ये हम लोग वैचित्र नहीं है ना, वैचित्र के लिए हेतु नहीं है, वैचित्र नहीं है नहीं बोल रहे हैं, परंतु वैचित्र के लिए बाहरी वस्तु हेतु नहीं है। आप खुद देखिए बाहरी वस्तु यदि विचित्रता के लिए हेतु होती तब सभी व्यक्ति को एक वस्तु देख करके एक ही प्रकार के ज्ञान होते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग ये हो रहा है, एक ही पिंड को देख करके अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग वृत्तियाँ उठ रही है, यानी को अलग अलग वृत्ति प्रकृति के क्या कारण, तुम्हारी अंदर की प्रकृति, तुम्हारे अंदर की प्रकृति। ये विज्ञानवादी बहुत लोग बोल रहे हैं, इस विषय में हमारे साथ वेदांतिक के साथ कोई विरोध नहीं है, वो विज्ञान को आत्मा मान लिया इतना जगह विरोध है। निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमतस्य घटते अनिमित्तत्वम अनालम्बनत्वम वैचित्रहितत्वम इष्यते अस्माभिः। हाँ कैसे कैसे हो सकते हैं, वो तो कथा कैसे हो सकते हैं, बोलते हैं भूत दर्शनात्, तुमको घर दिखाई दे रहे हैं और हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, मृत्तिका दिखाई दे रहा है, अच्छा मृत्तिका से पीछे पृथ्वी फल फर्मा दो लय कर, तुमको वो दिखाई दे रहा है, तुमको ऊपर दिखाई दे रहा है, हम अंदर दिखाई दे, यथार्थ दिखाई दे रहा है, इसलिए भूत दर्शन परमार्थ दर्शन, भूत दर्शन मतलब परमार्थ दर्शन, यथार्थता क्या है वहाँ पर वो विचार दृष्टि से हम देखते हैं। यही वेदांत में विचार को ही मुख्य साधन माना हुआ है, वेदांत के मुख्य साधन विचार है, इसलिए मतलब ध्यान में क्या होता है, आप आँख नाक कान बुद्धि ये बंद कर लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और वेदांत क्या है सारा इंद्रिय खुला है, बुद्धि और मन बिल्कुल अलर्ट है, देख के ही कोई वस्तु देखा देखते ही तुरंत बुद्धि करते हैं, नहीं नहीं इसका तो मूल कारण उपादान है, इसका मूल कारण मूल उपादान है, और उपादान विषय में छुपा हुआ है, एक यही शब्द को यही चीज को एक ही मंत्र में बोल दिया ईशावश्य, सारा संसार ईश्वर से प्राप्त है ना, उसके पीछे इतना लॉजिक नहीं दिया, बस इतना करना है, यहाँ पर पूरा लॉजिकल स्ट्रॉन्ग कर देंगे कैसे हो सकता है, सिद्धांत बोलते हैं कथम बोलते भूत दर्शन परमार्थ दर्शन इति बस मतलब परम अर्थ श्रेष्ठ विषय, परम मतलब बताए श्रेष्ठ, अर्थ मतलब विषय, परमार्थ अलग है मतलब सामान्य अलग करें, परम मतलब उसी के अंदर श्रेष्ठ तत्व को देखने का कोशिश करो, नाम रूप तो परिवर्तन भी करी है, जहाँ तक कार्य कारण भाव है कार्य को लय करते जाओ कारण में, और ये प्रक्रिया भी श्रुति नहीं सिखाया, वेदांति के सिद्धांत नहीं है, श्रुति ने सिखाया कार्य को कारण बनाए करते जाओ जब तक ना मूल कारण तक पहुंच जाते, उसी को बोलेंगे आप भूत दर्शना परमार्थ दर्शन न ही घट, देखो समझा रहे इसी को, ये संग्रह बापू को समझा रहे परमार्थ दर्शन क्या है, न ही घट यथा भूत मृत रूप दर्शन सती तद व्यतिरिक्त न अस्ति है ना, क्योंकि घट जो है जिस समय आपको दिखाई देगा उस समय यदि आप उसमें मृत्ति का दृष्टि है आप कभी भी घर को मृत्ति का को बिना देख नहीं सकते हैं, तो मृत्ति का ही आपको दिखाई दे रहा है, परंतु एक थोड़ा थोड़ा आकार ले लिया तो आप उसी को सत्य मान लिया, थोड़ा आकार ले लिया तो उसी को सत्य मान लिया, अब जो आकार तो एक क्षण में बदल जाएगा, गिर जाएगा टूट जाएगा, परंतु उसका उपादान वो बना रहेगा,
इसीलिए बोलते हैं नहीं घट यथाभूत मृत रूप दर्शन सती, उसका यथार्थ रूप है उपादान, मूल उपादान। अब जगत की मूल उपादान को जो है आप देख ढूंढने का कोशिश करें, है ना। यद्यपि हमारे यहाँ पे हम भी बोलते हैं जगत की अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, तब हम विवर्त उपादान मानते हैं, परिणय उपादान नहीं मानते, है ना, क्योंकि अधिष्ठान के बिना प्रांति होना संभव नहीं है। तो इतना भिन्नता है तो बोलते हैं यथाभूत मृत्यु, हम समझाने के लिए कार्य कारण अनंत को समझाने के लिए परिणाम पद को दृष्टांत देते हैं और फिर उसको सिद्धांत को विवर्त उपाद में लाते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा क्या दिखाया हमने, कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प कभी भी रज्जु के बिना नहीं दिखाई देगा, परंतु रज्जु हमेशा सर्प से भिन्न रहेगा, रज्जु हमेशा सर्प भिन्न चलेगा। इसीलिए नहीं घट यथाभूत मृत रूप दर्शन सही तद व्यक्ति, लेकिन दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ेगी, एक नंबर भी छूट गया था ना, तथा ना ब्रूहि किम तथा तत् युक्ति दर्शनेन बाह्यार्थ अभ्युपगमति, मतलब युक्ति के पूर्वक बाहरी दर्शन बाहरी वस्तु है ऐसा हम कहते हैं, इसमें तुम्हारा नुकसान क्या हुआ। ये तथा इसलिए बोलते हैं कि तत् मतलब युक्ति दर्शनेन, युक्ति पूर्वक देखने पर बाह्यार्थ अभ्युपगम बाहरी वस्तु है ऐसा मान लेने से तुम्हारे क्या नुकसान हुआ, तुम इतना घबरा रहे हो, ऐसा बाह्य अस्तित्ववादी विज्ञानवादी को पूछा था। तो उसको उत्तर दे रहे थे तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना वो पारमार्थिक दर्शन नहीं है, परमार्थिक दर्शन तो जब तुम उसको मूल कारण तक चले जाए तब परमार्थिक दर्शन होगा। दो नंबर चित्र यथाभूत घट अपेक्षा परमार्थ स्वरूप, घट की अपेक्षा से जो है ना वो जो उसका पारमार्थिक स्वरूप है क्या है, वृत्ति का इतव सत्य वाचारम मन विकारो नाम ध्येय वृत्ति का इतव सत्य श्रुति बोलती है। घट की अपेक्षा से तृतीय एक वचन रियलिटी, क्योंकि मृत्तिका को ऊपर आश्रित है घट, इसको ऊपर आश्रित है मृत्तिका को ऊपर आश्रित, घट की अपेक्षा से मृत्तिका का सत्यत्व अधिक है, इसलिए घट अपेक्षा है परमार्थ स्वरूप क्या है अमृत रूप है। तथा इस समय पे क्या बोला, नहीं घट यथाभूत मृत रूप दर्शन है, मतलब घट का यथाभूत रूप क्या है मृत्यु का रूप, ये बोलते सूट देखना है। घट अपेक्षा है परमार्थ, घट जो है नाम रूप है वो परिवर्तन में भी चाहिए, उसकी अपेक्षा से तो अधिक समय रहने वाले मूल श्री बोलते हैं घट अपेक्षा, घट की अपेक्षा से जो परमार्थ स्वरूप है, घट व्यभिचारी स्वरूप है नाम रूप व्यभिचार करते रहते यदि अर्थ है इसका विपरीत अर्थ। तो यथाभूत अब देखिए यही परमार्थ है, यदि आप देखिए भगवद गीता की सप्तम अध्याय में एम द स्वीटनेस ऑफ द सुगर, यही तो बोला भगवान द फ्लेवर ऑफ द टोबैको अथॉरिटी, मतलब क्या है जल में रस में तभी प्रय क्या है कि उसके अंदर जो सच्चाई है सत्यता है वो परमार्थ में ही वो परम अपने आप निर्विशेष होते हुए भी सब सविशेष का भरण पोषण करने वाला है, सब सविशेष का भरण पोषण। यदि अपने आप कोई विशेष वाला होते ना तो इतना विशेष को अभिव्यक्त नहीं कर, अपने आप निर्विशेष होने के कारण ही समस्त सविशेष का भरण पोषण। जल में रस है भगवान, जल भी तो भगवान ही है, जल पारमार्थिक रूप नहीं है ये तो कहना चाहे। देखिए जिस प्रकार ये गन्ना है, गन्ने की रस है, गुड़ है, चीनी है, मिठाई है, ये सभी मिठाई का विवर्तन, मीठा का विवर्तन है, परंतु वो नाम रूप परिवर्तन रहा, परंतु दैट स्वीटनेस वो व्यभिचार नहीं कर रहा, वो परमार्थ दर्शन हर चीज में वही स्वीटनेस हर चीज में वही वही मिश्रता आ रहा है। यहाँ पे आसाना समझ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको देखने के लिए दुष्ट निमित्त चाहिए। जिस प्रकार नमक हाथ में लिया था, पानी में डाला, काल हाथ में दिखाई दे रहा था, आज देखो उसको देखना चाहते हो क्या देखा था, स्वाद ना पड़ेगा। इसी प्रकार मीठे को ही दिखाई नहीं देगा, परंतु आप स्वाद से पता लगा सकते, इसी प्रकार आपको दिखाई नहीं देगा उसी प्रकार से आप जान सकते। पंडित मेधा विगंधर करते छंद को प्रश्न यहाँ पे भी ये बोलते हैं कि यथाभूत दर्शन रूप यथाभूत मृत रूप दर्शन है ना, यथार्थ मृत्यु का रूप दर्शन घट अपेक्षा परमार्थ स्वरूप इत्यादि, जो घट की अपेक्षा से पारमार्थिक स्वरूप है उसको आप देखकर सीखोगे तब आपको क्या पता लगेगा, कोई भी ऑर्नमेंट सुवर्ण को छोड़ करके नहीं रह सकता, इसलिए सुवर्ण ही सकते हैं स्पेशल उसको नाम होता है सुवर्णवित्त। सुवर्णवित्त जब आत्मवित्त बनेंगे
तो क्या हो जाएगा, हर जगह पर आत्मा ही दिखेंगे आप, नाम रूप दिखाई देगा, फिर तो आपका दृष्टि कहाँ जाएगा आत्मा। जैसे सुवर्ण भी, चाहे कोई सुवर्ण का बना हुआ घर की देवता को लाए, चाहे अपनी पत्नी का दिया हुआ अंगूठी के लाए, अथवा पत्नी का कोई वस्तु लाए, वो उन व्यक्ति के पास उस द्रव्य का मूल्य है। मेरी पत्नी की अंगूठी है, मेरी पत्नी की कुछ अलंकार है, मेरे घर की देवता है, वो उसका मूल्यांकन करता है। सुवर्णविद वो उसके अंदर कितना सोना है उतना ही देखता है, वो उसका मूल्यांकन नहीं करता कि किसका पत्नी का कि पति का घर का, वो मूल्यांकन नहीं करता उसका। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मविद्ता पुरुष होता है, वो चाहे नाम रूप में कितना भी महिमा हो जाए, उसका मूल्यांकन नहीं करता, स्वरूप क्या वस्तु है वो देखते हैं। ये परमार्थ दर्शन यदि ये हो जाता है, नहीं खड़ यथाभूत मृत तद व्यक्ति देखे ना अस्थि, मतलब वो उस अपनी मूल उपादान को छोड़ करके कोई भी कार्य नहीं दिखाई दे सकते। जैसा यथा अश्वान महिषा, अश्वात महिष मतलब जैसे घोड़ा से और भैंस को अलग करके देखा जा सकता है, इस प्रकार किसी भी उपादान कारण से उसके कार्य को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता, कभी नहीं देखा जा सकता। अच्छा व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया है, ठीक है ना, व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया। घटो अभी घट हो गया, पट को लेकर पटो व तत्व व्यतिरिक कोई भी कपड़ा है वो धागा को छोड़ करके रह सकता है नहीं रहता। हम कहते भाई हमारा कपड़ा उड़ता है, बोलते ठीक है तो हमें अपना तंतु ले जाओ, तुम तो हमारा कुर्ता ले जाओ, तंतु व्यतिरिक ना पटो व तंतु व्यतिरिक ना मतलब तत्व जैसा तंतु को छोड़ करके नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से आप उसका देखिए धीरे धीरे कैसे मूल कारण तक ले जाएंगे। अच्छा क्या होता है तंतु तंतव स्व अंश व्यतिरेक है ना, तंतु जो है आप देखिए भेड़ का रुएं काटते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, फिर उसको धागा में बदलते हैं, फिर धागा कोई देखा गाँव वाले लोग एक ही समय मिला करके उसका ये बनाते हैं, ऊन बनाते हैं उसका, तो फिर उसके वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्र उस धागा से अलग नहीं है, धागा उस रोए से अलग नहीं है, उसका उपादान है। इसीलिए बोलते हैं कि तंतव अंश व्यतिरेक है, और तंतु अंश मतलब छोटे छोटे जो रुई के अंश है उसको बोलते हैं। इति एवं इस प्रकार से कहाँ तक चले जाना है आपको, उत्तर उत्तर भूत दर्शन, ठीक है ना, उसके पीछे क्या आकार है ना, उसके पीछे का आकार, उसके पीछे का ऐसा ऐसा देखते जाओ। कब तक देखते जाएंगे, आ शब्द प्रत्यय निरोधा, जहाँ पे आ करके फिर शब्द प्रयोग नहीं होता, परंतु कोई एक वस्तु है ये समझ में आता है, जहाँ पे आ करके कितना देखे स्पष्ट निर्देश है, कब तक हम इसको निश्चित करते जाएंगे। जैसे होता है आ शब्द प्रत्यय निरोधात नहीं वह निमित्तम उपलब्धमहि इति अर्थ है ना, इसलिए ज्ञान के लिए कोई निमित्त है बाहरी वस्तु ये हम उपलब्धि नहीं होता, वहाँ पर तो मतलब बस आत्मा ही केवल मंत्र है। पटो व तंतु व्यतिरेक न तंतवश्च अंश व्यतिरेक न इति एवं उत्तर उत्तर भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधा जब तक ये तब नहीं वह निमित्तम मतलब जब तक शब्द प्रत्यय आपको वस्तु नहीं दिखाई देगा, इसीलिए वो बाहरी वस्तु ज्ञान के लिए निमित्त बन जाए ये नहीं हो सकता है। ज्ञान ज्ञानी मात्र सामने हो सकता है नहीं वह निमित्त उपलब्ध हम, इसलिए बाहरी वस्तु को निमित्त रूप में हमें नहीं दिखाई देगा। क्या बोल रहे हैं, नहीं वह निमित्त उपलब्ध, अभी हमको पिंड दिखाई देगा, अब हम तो उस पिंड को विचार की तरह वो नाम रूप को लय करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जहाँ पर आकर आपको रोकना पड़ेगा, जहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाएगा तो कुछ एक वस्तु का अस्तित्व, तो क्या हो जाएगा वो जो निमित्त ज्ञान के लिए हिंदू बन रहा था घर ज्ञान पिंड ज्ञान के लिए, वो पिंड वो निमित्त नहीं है, वो निमित्त नहीं रहेगा आपका विचार दृष्टि से नाश होगा। तो परंतु ये छेदन करने के लिए क्या है, असंग शस्त्र न देहे न चिंता, ये आसानी से नहीं होता, ये नाम रूप में ये भक्ति है, इसका ध्यान रखना असंग शस्त्र न देहे न चिंता, कि वो शब्द प्रत्यय निरोधा नहीं बन निमित्त उपलब्ध हम इधर वहाँ पे तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी है, तीन नंबर भूत दर्शन मतलब कारण विचार है, भूत दर्शन मतलब इस ये कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ, इसके पीछे क्या कारण, जैसे धीरे 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 आप कारण के विचार करते जाएंगे, यहाँ जहाँ पे आकर के आपको बस उसके पीछे आपको कारण नहीं दिखाई दे रहा, पुरुषात्मा परम किंचित साष्ठा सा पर है ना, ये पुरुष पूर्णता के पीछे और कोई नहीं है ना, वही काष्ठा है वही तो अंतिम सीमा है। इसलिए आप बोलते हैं कि जब तक तीन नंबर टिप्पण कारण विचार से
आ शब्द प्रत्यय निरोधा, ठीक है, चार नंबर टिप्पणी, जहाँ पे जाके फिर शब्द प्रयोग की जो निमित्त है वो रुक जाता है, है ना। क्यों शब्द प्रयोग आप कहाँ करेंगे? शब्द प्रयोग वहाँ पे होता है जाति गुण क्रिया संबंध हो तो वहाँ पे शब्द प्रयोग होगा। शब्द प्रयोग वहाँ पे हम किया जा सकता है, कोई रूढ़ी से कोई शब्द प्रयोग हो रहा है अलग बात है, बाकी जाति गुण क्रिया संबंध इस जाति का है, मनुष्य जाति का, उद्भिद जाति का, पशु जाति का, देव जाति का, कोई यदि कोई जाति है कोई उसके अंदर गुण है, गोरा है, काला है, गायक है, नायक है, पाचक है, कुछ भी गुण है, क्रिया कोई काम करने से होते हैं तो वहाँ गायक पाचक होते हैं। और संबंध गुरु शिष्य चाचा भ्राता बाबा माँ पिता माता ये सबको संबंध किसी के साथ कोई संबंध रहता तब जाके के वहाँ पे शब्द प्रयोग होते हैं मेरे चाचा के, है ना। जाति गुण क्रिया संबंध जो चार चीज होगा तब वहाँ पे शब्द प्रयोग होगा। अब शब्द प्रत्यय की निमित्त वहाँ भी नहीं जमा तक है, निर्विशेष में पहुँच गए कल, है ना, जहाँ पे कोई जाति नहीं दिखाई दे, ना गुण दिखाई, ना कोई क्रिया है, ना कोई संबंध है किसी के साथ, है ना। इस प्रकार से शब्द प्रत्यय की निमित्त बंद हो गया, आ शब्द प्रत्यय निरोधा यथा घटे मृगात्मना निश्चित, है ना। घट क्या है? मृत्यु का रूप है, ऐसा निश्चय होने का घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध हो तब क्या हो जाएगा आपका घट शब्द और घट संबंध जो प्रत्यय बुद्धि उठा था वो हो जाएगा, वृत्ति का मात्र ही, ठीक। इसी प्रकार एवं वृत्त सकल शब्द प्रत्यय निरोध, इस प्रकार से घट को मृत्यु, मृत्यु का आपको फिर क्या हो जाएगा पृथ्वी का विकार, इस प्रकार पृथ्वी मतलब आपका जल से आया हुआ है, ये जल का ही एक विकार मात्र, जल कहाँ से? तेज से है। इस प्रकार से अब अन्न स्वप्न शुंगे न अब मूलम अन्य और अदभी स्वप्न शुंगे न तेज मूलम अन्य तेज सा स्वप्न शुंगे न वायु मूलम अन्य सब मूलम अन्य सब तत्व है सन्मूल स्वम्य इमा सर्वात्जा सब आयतन सब प्रतिष्ठा हे सौम्य जो भी तुझ पूजा आपको प्रजा दिखाई पड़ता है सत ही इसका मूल है सत इसका आयतन है सत इसका प्रतिष्ठा है ना। ये छंद को श्रुति है छंद को श्रुति ऐसे कहा इसलिए तत्सत्यम स्वात्म तत्म सुही तुम हो सत्य तुम हो इसलिए आप बोलते हैं टिप्पणी का यथा घटे मृदात्मना निश्चित घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध एवं वृत्ता सकल शब्द प्रत्यय निरुद्ध हर प्रकार के शब्द प्रत्यय जहाँ तक वो निरुद्ध हो जाने पर विज्ञान मात्र क्या लिखा है वहाँ पे एक आकार चाहिए वहाँ पे मात्रा मात्र अवशिष्यते आकार का मात्र चाहिए विज्ञान मात्र अवशिष्यते न विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ सत्यम इसलिए ज्ञान के बिना विज्ञान मतलब शुद्ध क्योंकि विज्ञानवादी बौद्ध बोल रहे हैं हम तो इसको आत्मा बोलते हैं चेतन शुद्ध चेतन नहीं हो विज्ञान से टिप्पणी पर है चार नंबर टिप्पणी में देखिए यथा घटे मृगात्मना निश्चित घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध कम है वहाँ पे एवं रीता सकल शब्द प्रत्यय इस रीति से है ना कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस उसका कारण एवं रीता सकल प्रत्यय निरुद्ध विज्ञान मात्र अवशिष्य तो हम एक आकार का मात्र मात्रा अवशिष्य ठीक है ना विज्ञान मात्र इति न विज्ञान व्यतिरिक्त विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ सत्य इसलिए क्या हो गया कि विज्ञान से छोड़ करके बाहरी अस्तित्व को सत्य नहीं अधिष्ठान को छोड़ करके बाहरी कोई वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है अब मूल कारण में पहुंच जाएंगे इसीलिए ना मूर्तामूर्त ब्राह्मण गृहारण्यक भी ऐसे ही कहा पांच द्रव्य है ना हमारे पास आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तो पृथ्वी जल और अग्नि को मूर्त रूप कहा गया है और आकाश और वायु को अमूर्त रूप कहा इसको कथन करने के बाद जो भी कुछ वस्तु सृष्टि हुआ अर्थात तो आदेश नहीं की अब है वो अजात शत्रु ब्रह्म के प्रवाणी उसको जो प्रतिज्ञा करके आते उसको पुष्ट करने के लिए यहाँ पे आकर के उस ब्रह्म को जानने के लिए क्या करो अब ये पंच महाभूत से बना हुआ वस्तु को निषेध कर दे इससे अच्छा कोई उपदेश इसके लिए नहीं हो सकता और इससे पीछे कोई तत्व तो भी नहीं तो इस प्रकार से मोहता मुक्त ब्राह्मण में एक यदि आप इसको समझना चाहते हैं ना प्रकृत एतावत्ताधिकरण एक अधिकरण आता है ब्रह्मसूत्र द्वितीय अर्थ है कि तृतीय पद कि द्वितीय अर्थ है कि द्वितीय पद ना तृतीय अर्थ है द्वितीय पद तृतीय अर्थ है प्रकृत एतावत्ताधिकरण मतलब वहाँ पर जो निषेध किया गया है ना वो भगवान ने किसको निषेध किया गया है ना अधिष्ठान को मतलब दुष्कल्पित वस्तु को तब वहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं ये हमारा
मूर्तामूर्त कला जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इन दोनों को निषेध करने के लिए अथा तो आदेश नीति नीति दो बार नीति भिक्षा है व्याप्ति में सारा संसार जितना वस्त समस्त नाम रूप में निषेध कर दो तो उसका अधिष्ठान निषेध करना चाहते हैं क्या मतलब अधिष्ठान को भी निषेध करते क्या जैसे आपने बोला था सब निषेध करते सब मिलता है अधिष्ठान नहीं नहीं अधिष्ठान शून्यवाद आ गया तब वो इसीलिए हम बोलते हैं कि विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थम न सत्यम इति न विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ सत्यम विज्ञान से छोड़ करके बाहर किसी वस्तु की पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं क्योंकि उसको स्वतंत्र रूप से देख ही नहीं सकते लेकिन स्वतंत्र रूप से मतलब रज्जु को छोड़ करके जब स्वतंत्र सर्प को देख सकते थे तब तो पर सत्य वस्तु तत्व है ही नहीं ऐसा इसीलिए इसका अंतर तत्व है ना इसे टिप्पणी क्या बोलते हैं न विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ सत्यम इति तत्व दैट इज द वेट इसलिए चार नंबर की आप ध्यान एक बोला ईश्वते भूत दर्शन भाष्य की शैली तो महान है ना तो इसका अभूत दर्शन कर लेंगे एक और ग्रह लगा दीजिए वहां पर अक्षर अपने का अभूत दर्शन अरे तुमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो है ना भूत दर्शन तो ठीक से देखना सीखो और अभूत दर्शन होता क्या तुमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहे इसलिए तुमको उसमें सत्य लग रहा है इसीलिए अथवा है अथवा बोलते हैं अभूत दर्शनार्थ ठीक है ना वहाँ पर अभूत दर्शनार्थ भी पढ़ सकते हैं आपको असुविधा नहीं है अवग्रह रहेगा बाह्यर्थ से अनिमित्त तमिष्य दे है ना तुमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा इसलिए नाम रूप सत्य लग रहा है ना परंतु भारी नाम रूप वहाँ पर सत्य है ही हमारे अवश्य अभूत दर्शन मतलब तुमको ठीक नहीं दिखाई देने के कारण तुमको भारी अर्थ सत्य लग रहा है अभी पहले जो बोल करके ठीक से देखोगे तो भारी अर्थ नहीं दिखेगा अभूत दर्शन बाह्यर्थस्य अनिमित्तत्वम है ना भारी अर्थ में क्योंकि वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है है क्या पर है वहाँ पे रज्जु और आपको क्या ज्ञान हो रहा है सर्पति अब बताओ ये एक यथार्थ ज्ञान है अभूत दर्शन ठीक से नहीं दिखेगा नहीं है इसीलिए वो वस्तु निमित्त नहीं बना है पर है वहाँ पे क्या रज्जु यदि आपका रज्जु को देख करके रज्जु ज्ञान हो तब तो ठीक ज्ञान था इसलिए वो रज्जु निमित्त बन सकते हैं पर तुम आओ तो तुम ठीक देखा ही नहीं उसको ठीक ज्ञान नहीं इसलिए वो निमित्त ही नहीं है वहाँ पे सर्प है ही नहीं तो निमित्त कैसे बनेगा तुम बोलते हो ज्ञान को अलग अलग घट ज्ञान पट ज्ञान के निमित्त भारी वस्तु है ठीक है ना वहाँ तो भारी वस्तु है ही नहीं वो तो आत्मा ही है शुद्ध सर्वम खलु इदं ब्रह्म सशुद्ध अधिष्ठान विद्यमान है तो वहाँ पर जो तुम्हें घटपट ज्ञान हो रहा है वो यथार्थ दर्शन है अभूत दर्शन अब ठीक से नहीं देखने के कारण तुम यदि उसको ठीक से देखते भूत दर्शन होता तो तुम जैसा देख रहे तुम ठीक से नहीं देख रहे इसलिए तुमको नाम रूप ज्ञान के लिए कारण लग रहा है ये कहना चाहते हैं उसी को समझा रहे हैं रज्जा दो इव सर्पादे इति अर्थ दृष्टांत को समझ में आई गया इस प्रकार रज्जु आदि में सर्पबुद्धि होती है तो बताओ सर्प ज्ञान के लिए वो कारण बना कि नहीं आपने बोला घट ज्ञान के लिए बाहरी वस्तु घट कारण बनता है पट ज्ञान के लिए बाहरी बनता आप तो आपको रज्जु वहाँ पे भरा हुआ है अब ज्ञान क्या हो रहा है सर्प तो ये तो वो रज्जु सर्प ज्ञान के लिए कारण बन सकता है क्या यही है अभूत दर्शन ये अभूत दर्शन ठीक से देखा नहीं तो इसीलिए बोलते हैं रज्जु वो सर्पादे इति अर्थ ये अभिव्यक्त करते भ्रांति दर्शन विषयत्वाच निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत् इसलिए तो ये भ्रांति दर्शन का विषय है यदि यथार्थ दर्शन होता तो निमित्त वहाँ पे है एक आत्मा ही है भ्रांति दर्शन विषयत्वाच मतलब गलत दृष्टि का विषय होने के कारण निमित्तस्य अनिमित्तत्वं जो तुमको निमित्त लग रहा है वो यथार्थ निमित्त नहीं हो सकता है ना ये भवेत् मतलब निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत् निमित्त अनिमित्त वो निमित्त नहीं हो सकता क्यों तद अभावे अभानात् यदि भ्रांति की अभाव है तो आपको सर्प नहीं दिखाई देगा तद अभावे मतलब भ्रांति की अभाव हो जाए अभानात् सर्प के मान नहीं होता तद अभावे अभानात् दोनों नेगेटिव बोल रहा है तो इसका अभाव हो जाएगा भ्रांति दर्शन की अभाव होने से आपको क्या हो जाएगा वो सर्प के मान नहीं होगा
भ्रांति दर्शन की अभाव होने से सर्व की प्रतीति नहीं होगा। इसी प्रकार नाम रूप में संतप्त बुद्धि की अभाव होने से आपको जो क्या है कि वो नाम रूप हमारे बुद्धि के लिए कारण बनता ये नहीं होगा। तद अभाना मतलब आपको निमित्त नहीं बनेगा, ज्ञान के लिए निमित्त नहीं बनेगा। इसीलिए नहीं अब और भी बोल रहे हैं, ये तो आपने भ्रांति स्थान बोल रहे हैं, ये पहले से मंडो को कहकर पहले से बोलता रहे जागृत को सुषुप्ति बना दो, जागृत को सुषुप्ति बना दो, तब ये अनुभव में आएगा। शंकराचार्य यही बोलते हैं जागृत को सुषुप्ति बना पाओगे तब अनुभव में आएगा। नहीं सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन अभावे आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ उपलब्ध थे, है ना। तो नाम को अलग कर देना ही क्योंकि अथवा निश्चित ही सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम सोए व्यक्ति, देखो ध्यान करने वाले व्यक्ति अथवा जो जीवन मुक्त ज्ञान हो गया व्यक्ति, है ना, सोए हुए व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, ये तीनों को पूछ करके देखो नाम रूप दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है। इसीलिए बोलते हैं सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन अभावे, उस समय उसको भ्रांति दर्शन नहीं होता, सुषुप्त के समय कुछ नहीं दिखाई पड़ता, समाहित अवस्था भी आपका इंद्रिय काम नहीं करते और मुक्त व्यक्ति का तो दृष्टि बदल गया। भ्रांति दर्शन अभावे आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ न उपलब्ध्यते, आत्मा से भिन्न करके वो बाहरी वस्तु उठ करके क्या बोलता है सुषुप्त व्यक्ति, हाँ कितना आनंद से स्वस्थ है कुछ भी नहीं जाना, इसको उपलब्धि है, थैंक यू करके बोलता है, हाँ कितना अच्छा समय बीता पता ही नहीं लगा। और ज्ञानी व्यक्ति नहीं तो समाहित है, उनका तो कहना है क्या, उसका बुद्धन नहीं होता है ना, ज्ञान से उसको आत्मभिन्न कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए नहीं सुषुप्त समाहित मुक्ता नाम प्राप्ति दर्शन अभावे आत्मव्यतिरिक्त बाह्य अर्थ उपलब्ध है, आत्मा से भिन्न करके बाहरी वस्तु उपलब्धि नहीं होता। बुद्ध कौन बोलता है ऐसा, बोलता है देखो कि आप एक उन्मत्त व्यक्ति अथवा मतलब कैटरक्ट वाला कोई व्यक्ति, उसको यदि जो वस्तु दिखाई देता है वही व्यक्ति को यदि जो उन्मत्तता ठीक हो जाता है अथवा आँख ठीक हो जाता है तो वही व्यक्ति जो है यथार्थ दर्शन का एक ही चंद्र को देखते हैं। नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु अनुन्मत्तरपी तथा भूतम गम्यते, है ना। एक उन्मत्त व्यक्ति किसी वस्तु को जिस रूप में देख रहे हैं और एक अनुन्मत्त व्यक्ति मान लीजिए मतलब बीइंग इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रंक ड्रिंकिंग समथिंग मतलब शराबी पी लिया, उस व्यक्ति की जो व्यवहार है और एक व्यक्ति शराब नहीं पिया उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो दोनों अलग होता है, वस्तु के दर्शन ही भिन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से विषयाशक्त चित्त के द्वारा जो दर्शन होता है और वैराग्यवान चित्त के द्वारा दर्शन भिन्न होते हैं, कितना सरल बात है। इसलिए हमें कुछ भी ये उन्मत्तता है विषयाशक्ति उन्मत्तता है, जितनी उन्मत्तता क्यों है जितना भी आता है चुटकी नहीं है उन्मत्त नहीं है ठीक है। यहाँ पे नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु एक उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा समझा गया है जिस वस्तु को अनुन्मत्ते भी जिसके अंदर ये इंटॉक्सिकेशन हट गया ये नहीं है उसी प्रकार से तथा गौतम कम करते ना वो उसी प्रकार से वस्तु को नहीं देखता है उसको बदल जाता है। इसलिए एक ही काल में देखिए मतलब अज्ञानी वस्तु की एक वस्तु के प्रति दृष्टि और ज्ञानी की एक वस्तु के प्रति दृष्टि भिन्न हो जाए, व्यवहार लगभग एक ही प्रकार समान व्यक्ति को देखेगा और दृष्टि को बिल्कुल अवगतम वस्तु अनुमत्ते भी तथा भूतम गम्यते, अनुमत्त व्यक्ति के द्वारा वो वस्तु उसी प्रकार नहीं दिखाई देता है। ये तेना द्वय दर्शनम संक्लेश उपलब्धि प्रत्युक्ता, इतने मात्र से एक दर्शन और जो बाहरी वस्तु की उपलब्धि होती है तो वो जो है दोनों का उत्तर हो जाता है। क्या उत्तर हो गया, हम द्वय द्वय भेद उपाधि में है आत्मा में नहीं है, यानी कि आपका दृष्टि इस शरीर दृष्टि को छोड़ करके जब आत्मदृष्टि में जाएगा तब आपको भेद नहीं दिखाई देगा। और संक्लेश संक्लेश क्या है, कहाँ है संक्लेश, कहाँ पे है आपका, हाँ मतलब शरीर में अथवा बुद्धि में, आत्मा उसका दृष्टा है। इसलिए संक्लेश का आपके सामने दृश्य है, इसलिए संक्लेश का भी हमारा संबंध नहीं है, संक्लेश नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं। शरीर में कोई पीड़ा हो सकता है परंतु क्या निश्चय रहेगा, ये पीड़ा शरीर में है मैं इसका दृष्टा हूँ, तभी ये समझ में आ रहा है मेरा कि यहाँ पे पीड़ा हो रहा है,
यहाँ पे पैर में कहीं दर्द हो रहा है, हाथ में कहीं दर्द हो रहा है, तो क्या हो गया कि शरीर में पीड़ा इस जगह पे हो रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ, यानी कि मेरे सामने दृश्य है, इसलिए मेरे साथ इसका संबंध नहीं, शरीर का संबंध है। इस प्रकार से निश्चय हो जाता है। इसलिए बोलते हैं एतेना द्वयदर्शनम संक्लेश उपलब्धि। संक्लेश मतलब कष्ट की जो उपलब्धि होता है इसका उत्तर हो जाता है। यदि तुम यथार्थ दर्शन करोगे, हमारे शरीर में कुछ पीड़ा हुआ, अरे मैं तो पीमा, मैं मरा क्यों, मेरे पेट में दर्द हुआ। अब देखो मरा कौन, मैं, और मेरे पेट में दर्द हुआ, उसका संबंध है। तो जो हमसे संबंध हमसे भिन्न होगा, तो हमारे जो पेट में दर्द हो रहा है यानी कि इसके साथ मेरा संबंध है, तो मैं वो नहीं हूँ, तो कौन मरा, मैं। जैसे कोई पुत्र के प्रति आसक्त होगा व्यक्ति, पुत्र बीमार हो गया, हाय मेरा तो गया। ऐसे यहाँ भी होता है, ये आसक्ति बंधन के लिए होता है, आसक्ति भ्रांति दर्शन। इसे हम देखिए अब इसको टीकाकार क्या बोलते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि दाभ्याम अर्थापत्ति पढ़ लेते, दाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्य अर्थवादी प्राप्ति विज्ञान पदम उद्भव। दो अर्थापत्ति भ्रांति बताया था हमने, बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्र अनुगमनम और बाह्यार्थम बिना संक्लेश उपलब्ध अनुगमनम, ठीक है ना। ये दोनों को भी और अनुरक्ता प्रति है बाह्यार्थवाद है। इस प्रकार बाहरी विषय है ऐसा प्राप्त होने पर, ये दो अर्थाप्रति प्रमाण के आधार पर बाहरी विषय है ऐसा प्राप्त होने पर विज्ञानवाद उद्भव होते, विज्ञानवाद वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। प्रज्ञाते समय अस्तु का नाम वस्तु क्षति, तो पूर्ववादी बोलते हैं कि भाई रहने दो, क्या वस्तु का तुम्हारा आत्मा में क्या बिगड़ा। तब बोलते हैं वस्तु आश्रक निमित्त अनिमित्त, जिसको तुम निमित्त मान रहे हो ना, वास्तविक को निमित्त नहीं है, क्यों भूत दर्शन। ठीक ठीक देखना शुरू करते तत्र पूर्वार्थ विभजते। अब जो है श्लोक के पहला आधा भाग को अलग करके अर्थ करते हैं भगवान आश्रक अत्र उच्चते विषय में बोले बारह में प्रज्ञाते स्वनिमित्त तम दय संक्लेश उपलब्धि, भेद और संक्लेश उपलब्धि होती है, इसलिए ये युक्ति के आधार पर जो है बाह्य वस्तु सत्य ऐसा मानना पड़ेगा। वाणम द्वैतीन तब तर्क प्रधान न प्रतीति मात्र शरणता युक्ता इति मत्ता आह। देखो तुम द्वैतवादी हो और तुम युक्ति के सहारे बोल रहे हो, इसलिए तुमको प्रतीति मात्र को शरण नहीं करना चाहिए, तुमको युक्ति के आश्रय नहीं बोला है, युक्ति दर्शनता हम युक्ति दे रहे हैं तुमको, तुम प्रतीति को सहारा मत लो, सामने जो दिखाई दे रहा है उतना मात्र को अवलंबन मत करो, थोड़ा युक्ति लगाओ। इसलिए बोला स्थिर ही भव, तुम युक्ति हम तुमको युक्ति दिखाएंगे, तुम युक्ति दे रहे हो हम वही युक्ति को बोल रहे हो। जब तुमको वृत्ति का घड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक से विचार करके देखो घड़ा दिखाई दे रहा है कि वृत्ति का दिखाई दे रहा है, ये युक्ति दिखाई दे रहा है, सिखाया। इसलिए आप बोलते हैं कि दैतिन स्थाव तक मतांतर प्राप्ति श्लोक ठीक है, मतांतर प्राप्ति तक निराकरण उच्चते विज्ञानवादी, है ना। इस प्रकार बाह्यार्थवादी के सिद्धांत को प्राप्त होने पर उसका निराकरण के लिए विज्ञानवादी बोलते मतांतर मतलब बाह्यार्थवाद पढ़ लिया था श्लोक से तात्पर्य अत्र उच्चते श्लोक के तात्पर्य कहते हैं तत्र पूर्वार्थम विभाजते। इस विषय में श्लोक के पहला आधा भाग को विभाजन करते बारो एवं प्रतिपादन करने वाला तुम तर्क प्रधानता, तुम्हारे पास क्या प्रधानता है, तर्क प्रधानता, तर्क न प्रकृति मात्र शरणतया, शरणता मतलब तब तुम केवल मात्र जो दिखाई दे रहा है उसका आश्रय मत लो। क्या बोल रहे हैं, तुमको जो दिखाई दे रहा है केवल उतना मात्र शरण मत लो, जो उसके पीछे युक्ति है उसको जरा शरण मत, तब पता लगेगा तुमको प्रति शरण युक्ता इति मत्व। इसी को मन में रखते हुआ तो बोलते हैं तुम थोड़ा स्थिर हो जाओ, युक्ति लगाना हम तुमको सिखाएं। इसलिए युक्ति का आधार केवल प्रतीति में केवल दिखाई दे रहा विषय उतना मात्र को नहीं, तुम उसके साथ तुम उसको युक्ति के लगा करके देखो कि वस्तु क्यों दिखाई दे रहा है। इसलिए बोलते स्थिर ही होता है वस्तुनो वस्तुन बाह्य अर्थ तथा प्रज्ञाति विषयत्व तस्य अभ्युपगमे कारण प्रागुक्त युक्ति दर्शन एतस्मिन् अर्थे तम स्थिरी भव इति योजना। इसका अर्थ करते हैं अनंदगिरी स्थिरी भव तावत्तम, है ना। पहले तो वहाँ पर स्थिर निश्चित देखो, एक जगह में खड़े रहना, इधर उधर भागना नहीं,
अपने बुजुर्ग भी दिखाना सीखेंगे। वस्तु न वस्तु का षष्ठी वचन है, कौन सा वस्तु? बाह्य अर्थ से मतलब जो हमारे विषय दिखाई उसका तथात्व मतलब वो सत्य है। प्रज्ञप्ति विषयत्म क्योंकि ज्ञान का विषय बनने के कारण तस् अभ्युपगम कारण मतलब उसके सत्य मानने के पीछे हमारा कारण है। ज्ञान तदनुकूल से कि प्रज्ञप्ति विषयत्म तस् अभ्युपगम ज्ञान का विषय बनता है उसका अभ्युपगम कारण। बहुत अच्छी तरह से इस जगह को ध्यान रखना क्योंकि ज्ञान से वस्तु सिद्धि होते हैं और वस्तु से ज्ञान सिद्धि होते हैं। इसलिए ज्ञान मतलब बहुत ठीक है, ये दोनों जो है अभिचरित आश्रय है। प्रागुप्त युक्ति दर्शन भी तो युक्ति के सहारे क्योंकि हमें ज्ञान जो है विषय का ज्ञान हो रहा है इसलिए विषय बाहर होना चाहिए। युक्ति आपने दिया था युक्ति दर्शन भी थी एक तस्मिन अर्थ है, ये जो तुमने युक्ति देखा है ना इस विषय में तम स्थिर हो, तुम स्थिर हो बस तुम युक्ति को पर टिके रहो प्रकृति को पर मान जाओ भवो इति योजना। इस प्रकार पहले समझना चाहिए। अब क्या बोलते हैं विचार दृष्टि एव अवश्य आह है ना अहम अच्छा विचार दृष्टि एवं अवष्टव्य अहम वर्ते किम तत् दूषणम ब्रूहि पृछ्यते। ठीक है ना, देखो भाई हम तो विचार दृष्टि को आश्रय करके विचार दृष्टि एवं अवष्टव्य मतलब विचार दृष्टि को अवलंबन करके हमने बोला अहम वर्ते मैं विद्यमान हूँ मृदु वर्तन था तो भी अर्थ में आता है अहम वर्ते मतलब अहम अस्मि अहम भवामि। विचार दृष्टि को आश्रय करके युक्ति को आश्रय करके हम खड़े हैं इसी तुम्हें उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया। इसलिए बोलते हैं विचार दृष्टि एवं अवश्य अहम वर्त किम तद दूषणम इसमें दोष क्या हुआ ब्रूहि बोलो क्या दोष हुआ इति पृच्छति। ऐसा कौन पूछता है? बाह्य अर्थवादी विज्ञानवादी को पूछता है, बाह्य अर्थवादी विज्ञानवादी को पूछता है ब्रूहि। हमें पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ा मतलब विचार दृष्टि एवं अवश्य मतलब तर्क प्राधान्य एवं अवलब्ध तर्क की प्राधान्यता दे करके हमने खड़े हैं। आप बोला कि प्रतीति मात्र मतलब नहीं प्रतीति नहीं हम प्रतीति के साथ हमारा युक्ति भी है प्रतीति भी है युक्ति भी है बोलो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा तुम क्या कहना चाहते इस विषय में रूही किन कथित उससे क्या तुम कहना चाहते। तब अत्र उत्तरार्थम सिद्धांति व्याकुलवत उत्तरम अत्र उत्तरार्थम इस विषय में उत्तर देने के लिए सिद्धांति व्याकुलवत उसी को व्याख्या करके उत्तर देते हैं। तत्र उत्तरार्थ मतलब इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए सिद्धांति है ना व्याकुर्वन व्याख्या करते हुए उत्तर उच्यते सुनो आप क्या कहना चाहते हैं। इत्यादि इतने निमित्त से प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत से घटादे अनिमित्त अनारम्भन वैचित्र हेतु भविष्यते अस्माभि हमारा अभिष्ट है ना तो इसको वर्त कर दिया जिसको तुम निमित्त मान रहे हो घटाति बाहरी वस्तु को वो वास्तविक निमित्त नहीं है क्योंकि वस्तु पारमार्थिक वहाँ पे है ही नहीं है ना इसलिए वो वैचित्रता के लिए हेतु नहीं बन सकता। वैचित्रता के हेतु मतलब एक रज्जु को देख करके कोई घर कुचित्र माला दंड रहे विचित्र ज्ञान हो रहा है उसका एक ही हेतु अगर कुचित्र माला जरा दंड नहीं है क्या है यहाँ पे सर्वम कलिदम ब्रह्म वहाँ प्रतिष्ठान ब्रह्म ही मंत्र है ईश्वर मात्र कुछ नहीं है वहाँ पे। इसलिए बोलते हैं कि वैचित्रता हेतु कोई विषय कोई ये नहीं है कोई वस्तु रज्जु जो हमें भरा हुआ है बाकी कहाँ वैचित्रता हमारी बुद्धि में विचित्रता बैठी हमारी बुद्धि में विचित्रता बैठी है। इसलिए बोलते हैं कि घटादि वैचित्र अहेतु के प्रश्न पूर्व का हेतु है घटादि ज्ञान की विचित्रता में हेतु नहीं है घटादे वैचित्र अहेतु विचित्रता में हेतु नहीं है ये प्रश्न पूर्वक उत्तर देते हैं। कथन किम हेतु नहीं है प्रश्न का उसका उत्तर देते हैं। उत्तर क्या दिया भूत दर्शना मतलब परमार्थ दर्शना ये कथन परमार्थ दर्शन प्रपंचयति जो परमार्थ दर्शन क्या है उसी को थोड़ा सा समझाते हैं। परमार्थ दर्शन प्रपंचयति मतलब विस्तार से कहते हैं नहीं घट यथाभूत मृद रूप दर्शन सती तद व्यतिरेक अस्ति परमार्थ दर्शन की शैली शुरू हुआ इस बिगिनिंग कहाँ तक ले जाना है इसको आ शब्द प्रत्यय निरोधा आ शब्द प्रत्यय निरोधा है ना। आप इस अधिष्ठान तो किया था देखो तुम सुषुप्ति में जाओ चाहे वो जागृत अवस्था में बैठ के सुषुप्ति में जाओ देखो शब्द प्रत्यय निरोध हो जाए अथवा समाधि में जाओ अथवा ज्ञान होने के बाद मन की स्थिति मुक्त अवस्था में जाओ तुम कोई अनुभव में आ जाएगा। इसलिए हमें बोलते हैं कि परमार्थ दर्शन प्रपंचित नहीं तत्र वैधर्म दृष्टान्त मतलब व्यतिरिक्त दृष्टान्त दे रहा यथा अश्वात महिष वो पृथक दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार घट को मृत्यु का सालन करके आप नहीं देख सकते घट को अगर देखना होगा तो मृत्यु के साथ ही देखना होगा। यह होता है
घटे दर्शितम नयनम पटे अपी दर्शयति, जो नए घट में दिखाया वो पट में भी दिखाएगा, वो मठ में भी दिखाएगा, सब उच्च गुण है। घटे दर्शितम नयनम पटे अपी दर्शयति, क्या बोलते हैं, इति एवं उत्तर उत्तर भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधा, है ना, उत्तर उत्तर इसके पीछे ये इसके पीछे जब तक जा करके शब्द प्रवृत्ति होना रुकना जाता है तब तक कारण ढूंढते जाओ। इसलिए बोलते हैं घट में दिखाया गया जो युक्ति उसी को जो है पट में भी दिखाया है ना। अब कहाँ तक ये करते जाना है, जब तक उस सत्य तक नहीं पहुँच जाते हैं ना। आभूत दर्शन मतलब भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोध, जब तक शब्द प्रत्यय मतलब शब्द प्रवृत्ति का लिए जो प्रत्यय होता है वो निरोध नहीं हो जाता। अब उसी को देखो टीकाकार समझा रहे हैं, घटादीना स्व कारण व्यतिरेक हमारे यहाँ पे एक हाइफन देखे लिखा है परो नेति, मतलब ये जो टीका है दर्शयति, ये किताब का हिसाब से इसका बाद होना चाहिए वरी नेति, हिंदी बढ़िया से नहीं आ रहा है। घट दर्शितम नय पटे अपि दर्शयति इति एवं इखने लिखा है छोटा बंटर ना ये अच्छा ये घटते ये जिनिस्टा होगा तो ठीक है, मेरे को पुराने पुस्तक में देखना पड़ेगा कल देखेंगे उसमें, आज इसको ही लेने देते हैं तब तो कल आज मैं देख के आऊँगा। हमारे पुराने पुस्तक में कुछ वहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, मतलब घटे दर्शितम न्यायम पटे अभी दर्शयति इति एवं उत्तर उत्तर भूत दर्शन आ घट आ शब्द निरोधक नहीं बनेंगे। हो सकता है कि नया पुस्तक में ना कोई टीका हिस्सा छूट गया होगा, पर इसमें तो लग जाता है घटादीना स्व कारण व्यतिरेक असतम न प्रत्यय वैचित्र हेतुत्म, जो घट अपने कारण को छोड़कर के कभी भी नहीं रह सकता वो प्रत्यय विचित्रता के लिए हेतु नहीं बन सकता। अतः घटादि प्रत्यय प्रत्ययंतरानी अभी ठीक किसी प्रकार जहाँ पर घट बुद्धि हो रहा है वहाँ पर वृत्ति का बुद्धि भी ऐसा ही है, प्रत्ययंतर है वृत्ति का बुद्धि भी प्रकृति भी बुद्धि, इस प्रकार से घटादि प्रत्यय प्रत्ययंतरानी अभी प्रत्यय तो अविशेषा, क्योंकि वो भी एक प्रत्यय जहाँ तक प्रत्यय मतलब मनोवृत्ति उठ रहा है, जहाँ तक मनो किसी वस्तु को देख करके मनोवृत्ति शब्द वृत्ति उठ रहा है वह सभी प्रत्यय समान होने के कारण वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है। वास्तव अवलंबन वर्जितानि मंतव्य, इसलिए वो पारमार्थिक अवलंबन नहीं है ऐसा समझना चाहिए। भूत दर्शन ज्योतिकम तत्व दर्शन तत्व निमित्त अनिमित्त निमित्ति व्याख्या, तब जो ठीक से आप देखना सीखेंगे तब निमित्त अनिमित्त हो जाएगा। पर यहीं पर रखते हैं, कल इसको दोबारा करेंगे ना, क्योंकि अथवा करके नेक्स्ट अभूत दर्शन को लेकर के बोलेंगे। बोल रहे एक लाइन छूट गया, वहाँ बोल रहा है एक लाइन छूट गया, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं छोड़ देता हूँ अपनी पूरा, क्योंकि यहाँ पे जितना लिखा हुआ है इससे हमें अर्थ लग गया, इसलिए हम दूसरा वहाँ पे देखा नहीं पुराने पुस्तक में। आपके पुस्तक में लिखा है इतना लिखे आगे नहीं, ठीक है तो मैं देख लो अपने पास पुराने पुस्तक एक है ना उसमें थोड़ा देख लो। आज कौन सा सेकेंड बना भूतानालोकमग्नानि समुद्रे कारुण्यादुधारं दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुच्छाभि पुच्छं परम गुरुमं पादपादेन नतोऽस्मि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेह
दक्षिणा।